ਸੈਮਸੰਗ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੀ ਸੈਮਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਰੇ Thank you.
थिएटर एसोसिएशन की तरफ से हर वर्ष इस प्रकार का फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट का भी विशेष सहयोग रहता है। मैं सभी के परिवारों की सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। धारा 370 टूटने के बाद जम्मू में जो प्याज जोश आया है, लोगों की बहुत सी अपेक्षाएँ हैं, व्यापारी वर्ग को बहुत सी अपेक्षाएँ हैं सरकार से। मुझे लगता है आने वाले समय में उनके व्यापार में बढ़ोतरी हो और सरकार की तरफ से भी जो कुछ टैक्सेस हैं उनको रियायत मिले, इस प्रकार की हम कामना करते हैं। ठीक है सर। शुरुआत है और इसमें हमारा व्यापार है जी, मैसेज आता है पूरे जम्मू और जम्मू कश्मीर में, हमारा जो व्यापार है, बिजनेस हमारा बड़े दिवाली के अवसर पर, और सब कुछ शुभकामनाएं जम्मू कश्मीर के वासियों को देते हुए, और काफ़ी 72 साल के बाद 35 और 370 हटने के बाद ये पहला मेला आया है, और मैं यही कामना करता हूँ कि सब अफसर और ट्रेडर एसोसिएशन को ईश्वर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे और इनका बिजनेस बढ़े। और मुझे आशा है कि ये जो हमारे ऊपर टैक्सी लगे हुए हैं, ये टोल है मेन, ये लखनपुर का, आने वाले समय में शायद कत्ती के बाद इस टोल का भी खात्मा होने वाला है, हमारे व्यापारी वर्ग को वो भी एक रियायत मिलने वाली है। मैं ट्रेडर एसोसिएशन से यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं पिछले दिनों लेह में था, लेह में शाम को एक बहुत अच्छा, जो हमारे लेह निवासी हैं वहाँ जो हमारे यूथ हैं, शाम को एक बाज़ार के अंदर जहाँ जो मेन बाज़ार है वहाँ पर एक बड़ा अच्छा सॉन्ग एंड डांस होता है, इसी तरह यहाँ भी उसका एक आयोजन करें, ताकि हमारी जो यंग पीढ़ी है, जो हमारे जनरेशन है यूथ, वो दाएं बाएं जा रही है, अलग अलग कहीं उनको आते पड़ रही हैं यहाँ पर आके, ताकि हमारा व्यापार भी बढ़े और जब हम लोगों को जो स्ट्रेस है वो भी हमारी दूर हो। धन्यवाद। शुरू किया है, क्या खास रहेगा अप्सरा रोड पे फेस्टिवल? ये हमारा लास्ट 15 साल से हम करते आ रहे हैं दिवाली पे, हर दिवाली पे। इसलिए हमारा क्या रहता है कि हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं कि आइए दिवाली पे, आइए और अप्सरा रोड पे आके शॉपिंग करें, और अप्सरा रोड को पूरा डेकोरेट करते हैं, और इसमें हमारी ऑफर्स रहती है, कस्टमर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट्स रहते हैं, वो आएँ और यहाँ पे खुशियों के अपने त्यौहार को और ज़्यादा खुशियों से मनाएं।